Hello everyone, this is my first video on topology. Before going to topology, let us discuss about topological spaces. So first, consider X. X is nothing but a known empty set. आप इसको इस तरीके से भी denote कर सकते हो. Also tau. Tau is a collection of subsets of X. अब different books में आपको tau के लिए notation अलग मिल सकती है. किसी किसी book में ball TV आपको show करता है, तो जैसे आपको ठीक लगे. tau क्या है हमारे पास? A collection of subsets of X. Now, if tau satisfy the three axioms, then tau is called as topology of X. The three axioms are, first is phi and X should belongs tau. Phi और X दोनों के दोनों tau में belong करने चाहिए. Second condition, if A, B set belong to tau implies A intersection B belongs to tau. अगर set A और set B हमारे पास topology में tau में आपके पास belong करते हैं, then उनका intersection भी tau में belong करेगा. और इस intersection को हम क्या बोलते हैं? Finite intersection. तो इसको हम दोबारा से ऐसे बोल सकते हैं, इफ ए सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू टाउ, देन देयर फाइनाइट इंटरसेक्शन आल्सो बिलोंग्स टू टाउ. नाउ थर्ड एग्जांपल इज, इफ ए आईज, वेयर आईज बिलोंग्स टू इंडेक्स, बिलोंग्स टू टाउ इंप्लाइज यूनियन ऑफ दिस ए आईज, वेयर आई बिलोंग्स टू इंडेक्स belongs to tau. अगर आपके पास ए आईज tau से belong करते हैं, तो उनका union भी tau में belong करेगा. और इस union को हम बोलते हैं arbitrary union. This is finite intersection and this is arbitrary union. If tau satisfies these three properties, then we can say that tau is a topology on X, and ये जो आपके पास pair है X tau called as a topological space. I repeat, if X is a non-empty set and tau with a collection of subsets of X, then if tau satisfies these three axioms, then tau is known as topology on X and X tau is known as topological space. The three properties are phi and X should belongs to tau. If set A and B belongs to tau, then their finite intersection should also belongs to tau. And if A is belongs to tau, then their arbitrary union should also belong to tau. Now we'll discuss this example. X हमारे पास A B C set given है और tau जो topology इसके ऊपर ये वाली given है. हमें ये देखना है कि ये इसके ऊपर topology है या नहीं है. Again, topology कब बनाएगा? जब हमारे पास जो three axioms है वो satisfy होंगे. तो first axiom क्या था हमारे पास? Phi और X should belong to tau. तो first axiom satisfied. Second, अगर आप कोई भी दो set इनमें से लेते हो tau से और उनका आपके पास इंटरसेक्शन भी tau में ही बिलोंग कर जाए, देन सेकंड विल आल्सो सेटिस्फाइड. तो हम टू सेट्स लेते हैं, फर्स्ट दिस phi और X. अगर आप इनका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा आपके पास? phi, वो हमारे tau में बिलोंग करता है. नेक्स्ट आप phi के साथ इंटरसेक्शन लीजिए A के, अगेन phi बिलोंग्स टू tau. तो phi की आप इंटरसेक्शन B के साथ लोगे, देन आल्सो tau. और फाई की आप ए बी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे, तब भी आपके पास फाई आएगा, वो भी आपके टाउ में बिलोंग कर जाएगा.
उसके बाद आप x की a के साथ इंटरसेक्शन लेकर देख सकते हो। x इंटरसेक्शन अगर हम a करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंगलटन a, और सिंगलटन a हमारा डाउन में बिलोंग करता है। सिमिलरली x की इंटरसेक्शन अगर आप b के साथ करोगे तो आपके पास सिंगलटन b आएगा और b भी आपका डाउन में बिलोंग करता है। x की इंटरसेक्शन आप ए बी के साथ लोगे तो ए बी सेट आएगा आपके पास और वो भी हमारा डाउन में बिलोंग करता है। उसके बाद हम सेट ए और बी लेते हैं, सेट ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे सिंगलटन तो हमारे पास फाई आएगा और फाई हमारा टाउ में बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर हम ए सिंगलटन की इंटरसेक्शन लेंगे ए बी के साथ तब हमारा आएगा सिंगलटन ए और सिंगलटन ए बी हमारा टाउ में बिलोंग करता है। इसी तरीके से आपको चेक करना है, आप यहाँ से सब टू सेट्स लेते जाइए और आप उनको दिखा देना कि वो टाउ में बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बी, आप इसकी बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे देन आपके पास क्या आएगा, फाई, फाई ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ। सिंस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ दीज शुड बिलोंग टू टाउ, अब आप इनकी यूनियन लीजिए, आप इनकी यूनियन लोगे तो एक्स आएगा आपके पास वो टाउ में बिलोंग करता है। सिमिलरली आप इन दोनों की यूनियन लेके देखिए आपके पास ये आएगा तभी भी टाउ में बिलोंग करता है, आप इनकी यूनियन लोगे तब भी आपके पास ये आएगा अगेन बिलोंग्स टू टाउ, तो आपका थर्ड एग्जाम भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स टाउ इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर हम इसी एग्जाम्पल के अंदर यहाँ सिंगलटन सी ले लेते तो क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता, अगर हम यहाँ सिंगलटन सी भी लेंगे तो अगर आप इनकी यूनियन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी यूनियन सी, ए बी सी, ये तो हमारा एक्स ही है ना तो टाउ में बिलोंग कर ही रहा है। अगर हम बी और सी की बात करें, सिंगलटन बी की यूनियन की सिंगलटन सी के साथ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी सी, क्या ये हमारा सेट बिलोंग कर रहा है टाउ में, डज नॉट बिलोंग टू टाउ। तो अगर यहाँ सी भी आ जाता तो एक्स टाउ हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं बनता।